सीतापुर में आखिरकार किस इलाके में खूंखार तेंदुए के आतंक का अंत हुआ? खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद होने के बाद भी दहाड़ मारकर लोगों को कैसे डराता रहा? 8 माह से चकमा देने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैसे कैद हो गया? 45 साल के किसान और न जाने कितनी मवेशियों और नील गायों को निवाला बनाने वाले तेंदुए की उम्र कितनी है? तेंदुए के आतंक का अंत किस जंगल में ले जाकर किया गया, जिसका नाम सुनकर घरों में दुबक जाने वाले लोग कैसे उसकी एक झलक पाने को उमड़ पड़े? खून का प्यासा कैद में आया तेंदुआ नर है या मादा? देखें आई इंडिया की या खास रिपोर्ट। आखिरकार संधना थाना इलाके में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। तेंदुए के इस पूरे ऑपरेशन की गतिविधियां आई इंडिया के कैमरे में हुई कैद। सीतापुर में वर्ष 2020 में कोरोना का कोहराम और जंगली जानवरों का आतंक गूंजता रहा। सीतापुर के कई हिस्सों में तेंदुआ, बाघ और जंगली जानवरों लोगों को आतंकित करते रहे। वन विभाग इन्हें पकड़ने का प्रयास करता रहा है और ये चकमा देते रहे हैं, लेकिन एक आतंक के अंत को वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद करने में सफल हो गया। थाना सन्ना इलाके में पिछले करीब 8 माह से पशुओं को ही नहीं एक किसान को भी निवाला बना चुका था। सोमवार को आखिरकार वह वन विभाग के खेवटा रामपुर में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे में कैद हुए तेंदुए की पल पल की गतिविधियों को गोंदला में संवाददाता अखिलेश मिश्रा ने अपने कैमरे में कैद किया है। पिंजरे से दहाड़ मार रहे इस खूंखार तेंदुए ने जगदीशपुर के मुर्तजा को 17 अक्टूबर को अपना निवाला बनाया था। कई मवेशियों को भी निवाला बना डाला था। हरिहरपुर के दो किसान सोनू सिंह व उसके सहयोगी पर हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया था। इसके बाद इस तेंदुए का आतंक सिर चढ़कर बोलने लगा। सन्ना थाना इलाके में ही घरौली में भैंस पर हमला कर दिया था और खेवटा रामपुर में नीलगाय के बच्चे को निवाला बना डाला था। पहले तो वन विभाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इलाके में तेंदुआ है। कभी वह लकड़बग्घा तो कभी सियार बता देता था, लेकिन मिश्रिक कोतवाली इलाके में तेंदुआ लगाए गए पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग को चकमा देकर फरार हो चुका था। किसान को निवाला बनाने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाईं। WWF की टीम भी लगाई गई। अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए जाते रहे और तेंदुआ चकमा देता रहा। खेवटा रामपुर में वन विभाग ने पिंजरा लगाया, लेकिन चोर बकरी को चुरा ले गए। फिर बकरी पिंजरे में बांधी गई। सोमवार की सुबह आखिरकार तेंदुआ फंस गया। पतावर के बीच रखे हुए पिंजरे में फंसे तेंदुए की एक झलक पाने को ग्रामीण उमड़ पड़े, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस और वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना पाकर SDO AK मिश्रा, नगर के रेंजर महमूद आलम, फॉरेस्टर SN शुक्ला, वन रक्षक नीरज, अनिल यादव, मुन्ना लाल, दिलीप कुमार, चौकी इंचार्ज आलोक धीमान,
थाना अध्यक्ष आरबी सुमन भी मौके पर पहुंचकर तेंदुए को भिजवाने की व्यवस्था करते रहे। ग्रामीणों ने आई इंडिया को बताया कि तेंदुए का उनके इलाके में इस कदर आतंक था कि लोग अपने खेतों में काम करने नहीं जाते थे, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। बाघ आकृति का शायद सुना जाता था, पंजा मिलते थे कभी कभी, ये रहता बहुत दिनों से था लेकिन किसी की नज़र में नहीं आता था, और कभी कभी ये आ जाता था तो जैसे बकरा है या भैंस के वजन जारो एक कुंटल तक के लगभग खींच कर ले जाता था। पंजा के निशान से मालूम होता था कि बाघ प्रजाति का कोई जानवर है। कभी कभी नीलगाय के बच्चों का एक कुंटल से ज़्यादा तक का शिकार कर लेता था। हम लोग चिंतित थे और खेतों में मचाना उन्हें लगभग 10 फुट की ऊंचाई से खेत बचाते थे और दहशत हरदम रहती थी। लोग मतलब समूह बनाकर खेतों को जाते थे, डर भूख रहते थे, और इसका इतना भयंकर डर था कि हो सकता है बाल बच्चे खेत को नहीं जाते थे। वन विभाग को सूचना देने से उन्होंने करीब करीब 3 महीने से पिंजरे लगा रखे थे। आज कोई डेट हमने याद नहीं है तो हमने देखा 8:30 बजे गए यहाँ से खेत देखने, तो वहाँ खड़ा था, हमने चार्ज मारा तो उसने दिखाया तो हम डर के वापस आए इंडिया। वापस आए यहाँ बताया तो हमारे प्रधान जी कन्हैयालाल रंगनाथ परैनी दोनों लोग गए तो वहाँ दिखाया नहीं, खाली आवाज़ आई घुर घुर की कि बोल रहा था घुर घुर, तो हम लोग देख के वापस चले आए। वापस चले आए यहाँ बैठे तापा कुछ 11 बजे लगा टाइप किया, फिर हमने लेट ट्रेन। एक महीना से ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि तेंदुआ के चक्कर में रोज बकरा बांधा जाए छोड़ा जाए लेकिन फंसता नहीं रहा। कल ये सूचना मिली कि आए यहाँ पर यहाँ आए तो फिर कल देखा गया नया बकरा आया, वो बुबुआत नहीं रहा, ये बुबुआता रहा। ये हमारे मैनेजर साहब अपना गेहूँ देखने आए 8 बजे रात को तो ये कहे चिल्लाए करके कि भैया देखो यहाँ पर कोई जानवर है, तो हम लोग अपन टार्च लेकर के देखे लेकिन ये कुछ दिखान हो लेकिन भाग गया। फिर अपना वो बकरा बांधा गया 4 बजे के टाइम में, चौकीदार भी था। फिर सुबह वहाँ जाया गया तो देखा गया कि पिंजरा बंद है और ये फंसा है बकरा तो खा गया। मुनिंद्रा कौस्ती का फार्म लगभग 1 साल से यहाँ बीती था, आता जाता रहता था। हम लोग बहुत दौड़ धूप करके उसके चिन्ह पुंग करके मतलब देखभाल करके यहाँ सूचनाएँ देते रहे, माले यहाँ अधिकारी आते रहे, देखा गया कई बार, देखा गया कल भी देखा गया। कल ले करके जो है आज जो है सुबह जो है कल बकरा बांधा गया। बकरा बांधने के बाद में जो है सुबह फिर गए वहाँ, धुंधला ज़्यादा था, कुछ देर में जाकर देखा तो उसी में जो है खबड़ा उठाए। अच्छा, आज ये पकड़ा गया है तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग परेशान थे मतलब कई महीनों से यहाँ। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी ने आई इंडिया को बताया कि रविवार को उनके फार्म हाउस के इर्द गिर्द तेंदुआ देखा गया था, सोमवार को खेवटा रामपुर में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुआ लगभग 1 साल से ऊपर से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और इसका जो दायरा था वो काफ़ी दूर तक था, कभी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अभी 2.5 महीने पहले मछिटा में एक आदमी को इसने किल कर लिया था, खा गया था। और यहाँ हमारे चूँकि हमारे फार्म के चारों तरफ फार्म के बीच में जंगल है, इसलिए यहाँ के तमाम छोटे छोटे हिरण, तमाम यहाँ के सियार और तमाम कुत्ते को खा गया था। और आए दिन ये इसी रूट पर भ्रमण करता था जिसमें पिंजरा लगाया गया था। जब बीच बीच में जब ये जानवरों को खाता था, बकरों को खाता था, भैंस से पटक करता था, तो वन विभाग कह देता था ये लकड़भग्गा है, ये तेंदुआ नहीं है, और इसलिए ये भ्रमित हो जाते थे सारे लोग। लेकिन एक्चुअली तेंदुआ ही होता था और तेंदुआ को पकड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। जब इसका पिंजरा 2.5 महीने पहले वन विभाग का लगाया गया जो मछेटा में किल कर दिया था आदमी को, उसके बाद 3-4-5 बार यहाँ से निकला लेकिन नहीं। और इत्तेफाक जब परसों यहाँ दिखाई दिया तो यहाँ के तमाम ग्रामीणों की मदद से उसको घेरेबंदी करके वाई जाए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्टर हैं ललन शुक्ला, वो आए और उसकी कॉम्बिंग होती रही, वो यहाँ छिपा जंगल में बैठा रहा। उम्मीद थी कि रात और शाम को हमारे एक नौकर राम लोटन को हमारे खेत में पानी सींच रहा तो वो दिखाई पड़ा। मैंने कहा शोर मत करो, इसे बैठा रहने दो, ये सुबह जाएगा बकरी के पास। तो सुबह जब बकरी खाने के लिए उसमें गया पिंजरे में तो ये उसमें कैद हो गया। उसके बाद फिर 6 बजे करीब हमको सूचना दी गई, 5:30 बजे वहाँ हमारा कर्मचारी और फॉरेस्ट का आदमी गया था देखने के लिए,
तो उसके अंदर कैद था। 6 बजे हमने लोगों को सूचना दी अधिकारियों के, इसीलिए आप लोगों को भी सूचना हुई और अधिकारियों को हुई, उसके बाद ये तेंदुआ पकड़ के ले जाए। DFO परवेज रुस्तम ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ नर है जिसकी उम्र 7 साल के आसपास है। इसे कानपुर के जू एक्सपर्ट RK सिंह की देखरेख में किशनपुर जंगल भेजा गया है। कई बार प्रयास किया गया लेकिन पकड़ में नहीं आया था, और लगभग 2-2.5 महीने पहले इसमें एक शौच की गई हुई व्यक्ति फिलिंग भी कर दी थी, तो उसी मद्देनज़र जो है ये पिंजरा लगाया गया था और आज कब पिंजरा लगाया गया। पिंजरा इसमें जगदीशपुर में जो घटना हुई थी वो आदमी को किल किया था, उसके बाद वहाँ भी लगाया गया था, और जहाँ भी लोकेशन मिलती थी हमारे जो है स्टाफ लगे हुए थे बराबर, तो जहाँ भी इसकी लोकेशन मिलती थी हम इस पिंजरे को जो है शिफ्ट करके प्रयास करते रहे हैं। साथ ये गया है इसके पिंजरे में, और इसके बाद प्रोटोकॉल भी पूरा करना होता है, इसकी मतलब जो है डॉक्टरी जाँच की भी जरूरत पड़ती है, तो हमारे कानपुर जू से एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए हैं, उनको लेकर कर दिया है हमने और आदेश मिलने पर आदेश मिल जाता है। इसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।